इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, इस मैच का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। मैच शुरू हो चुका है और साथ ही शुरू हो चुका है ढेर सारा एक्शन। ऑन फील्ड जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, फील्ड से बाहर से भी लोग इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। बात हो रही है जाने माने यूट्यूबर जारवो की। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला लिया। पहली पारी में ही जारवो ग्राउंड में घुस गए। पहले केएल राहुल ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया, पर जारवो नहीं माने। फिर विराट कोहली को बीच में आना पड़ा। विराट ने उनसे बातचीत की और लोगों की मदद से उन्हें बाहर किया गया। जारवो ने अपनी जर्सी पर 69 नंबर पहन रखा था और जारवो नाम लिखा हुआ था, जो कि हमेशा ही रहता है। जारवो की खास बात यह है कि वो ऐसे कारनामे करके ही फेमस हुए हैं। जारवो पहले भी भारत और इंग्लैंड के बीच हुए टेस्ट मैचेस में ऐसा कर चुके हैं। 28 अगस्त 2021 को भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। वो इस मैच के दौरान इंडियन जर्सी पहनकर ग्राउंड में आ गए थे। अंपायर ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसी एक्टिंग की जैसे टीम के साथ फील्डिंग करने उतरे हों। इसे देख रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज खूब हंसे थे। वो यही नहीं रुके, इसके बाद वो अगले कुछ टेस्ट में भी लगातार ऐसा करते रहे। लॉर्ड्स और हेडिंगली जैसे ग्राउंड्स पर भी उन्होंने सिक्योरिटी को चकमा दे दिया और पिच तक आ गए थे। बता दें कि इन दोनों ग्राउंड्स ने उन्हें इससे पहले ही बैन कर दिया था। एक बार तो इस बंदे ने हद ही पार कर दी। एक टेस्ट मैच में वो इंडिया की जर्सी पहने ग्राउंड पर आए और बतौर पेसर एक बॉल भी डाली। इसके बाद उनकी टक्कर जॉनी बेयरस्टो से हुई, जो कि उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे। और इस घटना के बाद जारवो को मैदान से बाहर किया गया। इसके बाद से जारवो पर कई सारे केस भी चल रहे हैं। जारवो के यूट्यूब चैनल पर 1,80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनका चैनल मोनेटाइज्ड है, यानी ऐसी हरकतें कर वो पैसा बना रहे हैं। जारवो की हरकतें क्रिकेट तक ही सीमित नहीं हैं। इस यूट्यूबर ने यूरोपियन फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट UEFA चैंपियंस लीग में भी कुछ ऐसा ही किया था। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के एक मैच में जारवो ग्राउंड में घुस गए थे। अब इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच पर आते हैं। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को आउट किया। मार्श ने तब तक अपना खाता नहीं खोला था। विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने पारी को संभाला। हालांकि स्पिनर कुलदीप यादव ने वार्नर को फंसाया। 17वें ओवर में वार्नर कुलदीप को एक आसान सा कैच दे बैठे। 32 ओवर्स तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 130 रन बना लिए थे। ग्लेन मैक्सवेल के साथ कैमरन ग्रीन क्रीज पर थे। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आपके लिए स्टोरी लिखी थी पुनीत ने। स्पोर्ट्स की ऐसी खबरों के लिए ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।